हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो यूनिसेस के थ्रू होक्सुले रैनवॉल में कैसे अप्लाई करना है उसके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर नहीं है अकाउंट, तो उसको रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, आप अपना ईमेल एड्रेस दे दोगे यहाँ पे जो भी आपने बनाया है। जो भी आपका मतलब ईमेल एड्रेस होगा जिसपे वो आपसे कांटेक्ट कर सके बाद में, तो वही वाला ईमेल एड्रेस देना पे। अच्छा, तो ये आ गया। ऐसा है, जो ईमेल एड्रेस है मेरा, इसी को मैं कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम अपना एक पासवर्ड रख लेते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। वो कह रहा है कि आपको एक लिंक आया होगा, तो मैं, हाँ, यहाँ पे एक लिंक आ गया ईमेल पे, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। हाँ जी, अब वो कह रहा है साइन इन कर लो। तो ये जी, मैंने साइन इन कर लिया। अब वो मुझसे मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, या आप लोगों से भी मांगेगा। अच्छा, ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ होक्सुले रैनवॉल के लिए है। हर उसका जो है वो अलग है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स या अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अलग तरह का है। तो मैं यहाँ पे जो है वो डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है वो पूरी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ मेरा आ गया कराची, नेशनलिटी मेरी आ गई पाकिस्तान। ये दो तो है नहीं कि आपको स्टेटलेस, या हम तो ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं मेरा पाकिस्तान, तो ये दोनों को छोड़ देंगे हम लोग, फॉरवर्ड पे चलेंगे। अच्छा, फॉरवर्ड पे वो पूछ रहा है कि लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 47533, ये मेरा, आप लोगों का जो भी एड्रेस हो वो आप लोग लिख दोगे, या मैं शराब खानी लिख देता हूँ। तो है क्लेवे, मेरा सिटी है, बल्कि मैं सिटी को ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ पे अपने स्टेट लिख देता हूँ। कंट्री जिसमें मैं भी हूँ वह है जर्मनी। तो अब वो पूछ रहे हैं आर यू अब मैरिड टू, नहीं वो तो शादी नहीं हुई तो किसी और से क्या होगी, तो ये दो चीजें तो चाहिए नहीं। हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल? यस। इन विच कंट्री? पाकिस्तान। हायर सेकेंडरी स्कूल का था ना, तो ये हायर सेकेंडरी, मैंने ये स्टूडेंट कॉलेज जो है ये पास किया हुआ है या नहीं, मैंने नहीं किया हुआ। अगर आप लोगों ने किया हुआ तो आप लोग यस कर सकते हो, मैंने तो नहीं किया हुआ।
यहाँ पे मैंने यस कर दिया इसको। अच्छा ये आई भी आ जाएगा पाकिस्तान। नेम योर यूनिवर्सिटी, वो है अदर यूनिवर्सिटी। इनमें से अगर आप ये देखो तो मेरी वाली यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने चेक किया हुआ है, वो है ही नहीं, तो क्लिक के देखता हूँ। नहीं आ रहा नाम, तो मैं उसको कर देता हूँ अदर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो है मैंने किया था बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आ गया ऐसे। ये मैं इस पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी, आप लोग चाहो तो ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से अपना पासवर्ड देना होगा। तो ऐसे ये देखो, इतना सिंपल सा प्रोसेस था और ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या काम करना है, हम लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ लेनी है, होकचुले रायनवाल में अप्लाई करना है। तो ये आ गया, अब होकचुले रायनवाल की सारी वो दिखा रहा है क्या क्या है ना। तो आपको जिस भी कोर्स में अप्लाई करना हो वो कर देना, मैं कर देता हूँ फिलहाल इसमें अप्लाई, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ये मेरी उससे मैच करती है। एक ये चूज कर लिया मैंने, और एक कर लेता हूँ मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कर लेता हूँ एक। ये तो हो गए। अब उनकी वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे वो दिखाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैंने तो वहाँ से देख लिया है वो डॉक्यूमेंट्स, तो मैं वो अपलोड कर लेता हूँ। मास्टर्स के लिए आपको बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब कुछ, मतलब ओरिजिनल जो है उनके क्या नाम है इसका, ओरिजिनल की स्कैंड कॉपीज चाहिए। इसमें कुछ भी अटेस्ट करके कुछ ना उनको सेंड करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे अपलोड कर देनी है वही। तो सबसे पहले वहां पे जो उन लोगों ने चीज जो मांगी थी वो सीवी मांगी थी, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है अलग से ही। तो सबसे पहले मैं अपनी सीवी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सीवी मेरी सक्सेसफुली अपलोड हो गई, लिखा भी आ रहा होगा शायद। उसके बाद मैं जो है वो प्रूफ ऑफ अपना जो है वो लैंग्वेज अपलोड कर देता हूँ। मेरा जो है वो बैंड जो है वो 7 आया था, 6.5 से कम किसी में नहीं आया और वो 7 आया था, तो मैं वो भी अपलोड कर देता हूँ। ये आ गया मेरा प्रूफ ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे ऐसे, ये मैंने अपलोड कर दिया अपना। आइल्स मेरा चला गया अंदर। अब मैं स्कूल सर्टिफिकेट में चला जाता हूँ। स्कूल सर्टिफिकेट में मेरी आ जाएगी HSC का सर्टिफिकेट। ये नीचे सारी वो लिस्ट बताता जा रहा है आपने क्या क्या किस कैटेगरी में, जैसे स्कूल में, लैंग्वेज में, सीवी में, इस तरह नीचे लिखा हुआ आता रहेगा। तो स्कूल सर्टिफिकेट में ही मैं एक और चीज डाल देता हूँ, SSC सर्टिफिकेट चला गया था हमारा। SSC मार्कशीट चाहिए मुझे, SSC की मेरी मार्कशीट आ गई।
ये दोनों चीजें हमारी स्कूल में आ गई, और अब हमारी जो है वो हर चीज जो है वो स्टडी सर्टिफिकेट में आ जाएगी, है इंटरमीडिएट HSC की मार्कशीट। और HSC का सर्टिफिकेट अच्छा, HSC के मार्कशीट और HSC का सर्टिफिकेट हम लोगों ने पहले से ही अपलोड कर दिया हुआ है, तो इसीलिए वो दिखा रहा है यहाँ पे ना। तो स्कूल सर्टिफिकेट में जाके हमें SSC का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो SSC का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद हम लोगों को अपलोड करना है स्टडी सर्टिफिकेट में जाके, कहाँ गया, बैचलर्स की मार्कशीट। बैचलर्स की मार्कशीट हमारी अपलोड हो गई, और यहाँ से कैटेगरी पर फिर से बैचलर्स का सर्टिफिकेट। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स और CV और प्रूफ ऑफ लैंग्वेज जो है, यही चीजें वहां पे रिक्वायर्ड थी उनकी वेबसाइट पे, और यही चीजें मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ चला जाता हूँ। ये आगे देखो, अभी यहाँ पे जो है इस तरह लिखा हुआ आ रहा है कि ये 75 यूरो पहली वाली, अगर आप एक ही डिग्री में अप्लाई करते हो तो 75 है, अगर दो में करते हो तो वो 105 हो जाते हैं। मतलब हर सेकंड डिग्री पे सिर्फ 30 यूरो 30 यूरो आपको एक्स्ट्रा देने हैं। ऐसे तो ऐसे है, तो मैं इसकी अब पेमेंट कर दूंगा। अच्छा, तो मैंने इसकी जब ये पेमेंट कर दी है, तो आप लोग ये देख सकते हो कि इसके बाद अब यहाँ पे, पहले तो वहाँ पे 75 यूरोस लिखे हुए थे ना, अब यहाँ पे ये इन एवेल्युएशन लिखा हुआ आ रहा है, पेमेंट रिसीव्ड लिखा हुआ आ रहा है, और इन एवेल्युएशन मतलब अब ये 5 से 6 हफ्ते का टाइम लेगा और आपको जवाब दे देगा ये कि हो सकता है या नहीं हो सकता, या आपकी ये समर सेमेस्टर 2022 के लिए, ऐसे मैंने ये अप्लाई कर दिया। और अब तक के लिए इतना ही, तो फिर मैं मिलूंगा, ये पार्ट वन था हमारा कि अप्लाई कैसे करना है, और फिर मिलूंगा अगली वीडियो में कि जब मेरे ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी, तो फिर उसका आगे का प्रोसेस क्या है और इनरोलमेंट वगैरह कैसे करनी है, और वो सब प्रोसेस मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।